बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से, जहां आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से जीआरपी ने 40 किलो अवैध गांजा भी बरामद किया। वहीं इस बारे में सीओ जीआरपी दरवेश कुमार ने जानकारी दी। जीआरपी द्वारा अवैध गांजा तस्करों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बता दें कि जीआरपी ने 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष, इनके कब्जे से 40 किलो गांजा भी बरामद किया गया। सीओ जीआरपी दरवेश कुमार ने बताया कि अपराधी विशाखापट्टनम से गांजा लेकर आते हैं और इन्हें इसके बदले 5,000 रुपए मिलते हैं। वहीं चारों अपराधियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया। क्या मामला है? किस तरह का गैंग पकड़ा गया सर? क्या ये जीआरपी आगरा विभाग के एसआरपी महोदय श्री मोहम्मद मुश्ताक सर के ने एक टीम गठित की थी, जिसके इंचार्ज एसएचओ कैंट थे। इन्होंने कल 2 अप्रैल को एक 4 लोगों को पकड़ा है, जिसमें 2 महिलाएं 2 पुरुष हैं, और इनके कब्जे से 40 किलो गांजा बरामद किया है। पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि ये गांजा विशाखापट्टनम से लेके आते थे, जिसके एवज में इनको 5,000 रुपये मिलते थे। और ये जो बंदा है जिसके लिए ये काम करते थे, इसका नाम अजीत है, निवासी रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड का रहने वाला है, इसके लिए ये काम करते थे। चारों को एनडीपीएस में जेल भेजा गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 58/22 एनडीपीएस, 59/22, 60/22 और 61/22 दर्ज किया गया। सर, इनका आपस में कोई संबंध है? इनका कोई आपस में जो लोग पकड़े गए हैं, ये आपस में संबंधी हैं चारों के चारों, ये परिवार के सदस्य हैं चारों। सर, कब से काम करते हुआ है? पुराना इतिहास करने पे इन्होंने बताया कि पुराना कोई आपराधिक इतिहास इन्होंने नहीं बताया, बाकी हम जानकारी करेंगे। संजय सिंह, R9 भारत, आगरा की खास रिपोर्ट।